हेलो डियर स्टूडेंट्स, जनरल टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1-8 कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे बता दूं कि एनसीईआरटी को हम लोग कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी के 1x1 सारे क्वेश्चन, जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी चैप्टर्स के, सभी को हम लोग सेक्वेंस में पार्ट वाइज में कवर कर रहे हैं। और इस चीजों का पूरा कलेक्शन जो है, आप 10th प्लेलिस्ट, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10, 9, हर क्लासेस की, हर चैप्टर के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। क्लास 8, 9, 10 का मैं कवर कर रहा हूँ, इसमें ये 10th का है। आपको 10th जब प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पे सिक्वेंस में 1x1 सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, सारे चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अब आज क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन फिगर एबीसी एंड एएमपी, यानी दो फिगर है आपके, एक तो आपका एबीसी एंड एएमपी, ये हैं टू राइट ट्रायंगल्स। आपके ये दो राइट ट्रायंगल्स हैं, इट मींस इनका ये 90 डिग्री है यहाँ पे। ओके, राइट एंगल्स एट बी एंड एम, यानी कहाँ पे राइट एंगल्स कहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट्स? एक आपका यहाँ पे बी पे बन रहा है और दूसरा यहाँ पे एम पे बन रहा है। ठीक है, प्रूफ दैट, यानी हमें क्या प्रूफ करना है, हमें करना क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, यानी जो ए बी सी आपका ये वाला राइट ट्राइंगल है, इसको ए एम पी जो राइट ट्राइंगल है, इसके सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, बहुत इजी है, आप कर लेंगे इसको। और दूसरा जो इसका पार्ट है क्या है कि सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए, यानी ये प्रूफ करना है कि जो इसका साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है, ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत इजी है, बहुत ही अच्छे से आप कर लेंगे। तो स्टूडेंट, जो लिखने का सिस्टमेटिक तरीका, जैसे कि मैंने बताया आपको, गिवन लिखना है क्या दिया हुआ है, तो टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड एएमपी, टू राइट ट्राइंगल्स, टू राइट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स एबीसी एंड एएमपी, एएमपी दो राइट ट्राइंगल्स है आपके पास, एबीसी एंड एएमपी। ठीक है, जहां पे राइट आप कहां पे बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, इसको लिख दीजिएगा। और क्या है आपका गिवन में, क्या स्टूडेंट्स आपका गिवन में, इस वाले पार्ट को आप यहां पे मेंशन कर दीजिए, टू प्रूफ वाले में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, टू प्रूफ यानी कि प्रूफ क्या करना, इन दोनों पार्ट को आपको यहां मेंशन करना है। उसके बाद अब हम सिस्टमैटिक यानी कि लगाने चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट पार्ट को लगाते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट क्या है, एबीसी एंड एएम, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएम, यानी एबीसी और एएमपी ट्राइंगल में, एबीसी में इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में एएमपी। ओके, तो इसमें क्या स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, एबीसी और यानी कि राइट ट्राइंगल्स हैं, तो एंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल का जो एंगल एबीसी है वो एएमपी ट्राइंगल के एंगल एएमपी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है स्टूडेंट्स आपका 90 डिग्री, यानी ए बी सी मतलब ये एंगल और ए एम पी मतलब ये एंगल, ये क्या है दोनों 90 डिग्री के हैं, राइट है बी और एम पे राइट एंगल्स है, इस वजह से 90 डिग्री है। ओके, एंड और दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, बी ए सी इक्वल टू एंगल एम ए पी, एंगल एम ए पी, ये क्या है, ये दोनों ट्राइंगल में स्टूडेंट्स कॉमन एंगल है, क्या है कॉमन, देख रहे हैं जैसे बी ए सी इस ट्राइंगल में देखें, बी ए सी ये वाला एंगल और यम ए पी तभी ये वाला एंगल, यानी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इस वजह से आप इसको लिख पा रहे हैं। दोस्तों, जब आपको दो यानी कि किसी दो ट्राइंगल्स के करेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स अगर आपको इक्वल मिल जाते हैं तो टू पेयर ऑफ यानी इक्वल एंगल्स होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है सिमिलर है, तो आप कह सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी सी इज विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम बी, ए बी सी क्या हो जाएगा ए एम सी के सिमिलर हो जाएगा, कैसे, बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से स्टूडेंट्स ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, आपके सिमिलर हो गए। ओके, तो जब सिमिलर हो गए तो आपको करना क्या है, ये आपको दिखाना है। ठीक, तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट में था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखेंगे स्टूडेंट्स, सिंस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम सी, यानी ए बी सी क्या है ए एम सी के सिमिलर है, क्यों, क्योंकि आपने एक प्रूफ किया हुआ है
तो लिख दीजिए प्रूव एवम, यानी प्रूव एवम यानी कि ऊपर इस चीज को सिद्ध किया जा चुका है कि ये इसके इक्वल सॉरी इसके सिमिलर होता है, और जब इसके सिमिलर हो गया तो लिखेंगे स्टूडेंट्स देन या इसलिए, जो कि आप साइन लगा दीजिए हेंस का, इसलिए क्या हो जाएगा आपका सी ए अपॉन ए बी, सी ए मतलब इस वाले ट्रायंगल ए बी सी का सी ए इसका हाइपोटेनस एंड ए एम बी का हाइपोटेनस क्या ए बी, तो क्या हो जाएगा सी ए अपॉन ए बी मतलब सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा ए बी सी वाले ट्रायंगल का बी सी, ए बी सी वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बी सी ए एम पी का एम पी, तो बी सी अपॉन एम पी है, बी सी अपॉन एम पी है। आप कहेंगे कैसे, तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं आपस में प्रोपोर्शन में होते हैं, तो लिखेंगे साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शन, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शन, ये क्या होते हैं प्रोपोर्शन में होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शन में होते हैं, यही आपको प्रूफ करना था, तो लिख देंगे हेंस को इस तरह से आपका सिद्ध हो जाता है। ओके सभी के समझ में आ गया, बहुत ही इजी है, सिस्टमैटिक आप लगा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं। ओके तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि CD and GH are respectively the bisector of angle ECB and angle ECB, यानी किसमें कोई ट्राइंगल ABC में एंड FEC में, तो इसमें ABC में क्या है आपका CD, CD क्या है bisector, किसका bisector है respectively किसका ACB का, ACB का bisector का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी एंगल का bisector एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, क्या करता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसी तरह से ये वाला भी जो आपका GH है FEC में ये भी क्या कर रहा है एंगल, इस वाले एंगल को इसके इक्वल आपका डिवाइड कर रहा है, ये एक दूसरे के इक्वल डिवाइड कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है, इस वजह से एंगल को इस तरह से डिवाइड कर रहा है। बताएगा D एंड H लाई ऑन सेम साइड AB एंड F, यानी जो D और H है D एंड H ये क्या कर रहा है लाई ऑन सेम साइड AB, AB के सेम साइड में लाई कर रहा है एंड FE के सेम साइड में लाई कर रहा है, आप ट्रायंगल ABC एंड FEC में बताया गया। ओके रेस्पेक्टिवली अब कहा गया है कि इफ ट्रायंगल ABC मतलब ये पूरा ट्रायंगल जो है ABC जो है ये FEG के क्या है ये सिमिलर दिया गया है, ये बता दिया गया है कि पूरा ABC पूरे FEG के सिमिलर ये कहा गया है देन सो दैट, तो करना क्या स्टूडेंट्स आपको कि इसका क्या लिखाना है CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FC, यानी CD अपॉन GH यानी जो CD अपॉन GH क्या है ये आपका AC अपॉन FC है, यानी इसके साइड्स प्रोपोर्शन में है। ओके तो इसे पता चल जाता है कि ये किस ट्रायंगल की बात कर रहा है ACD, ACD की बात कर रहा है एंड FGH की बात कर रहा है, तो इसमें हम काम कर लेंगे। ओके नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसका कि BCB जो ट्रायंगल है DCB मतलब ये वाला ट्रायंगल DCB इधर वाला ये क्या है HGE मतलब इधर वाले के क्या है सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। इसके साथ साथ क्या प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल DCA है DCA मतलब ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF के इस वाले के सिमिलर है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके तो ये आप आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है, तो सबसे पहले गिवन में आप लिख लीजिएगा जो जो चीजें दी हुई है, टू प्रूफ में आपको इस वाले पार्ट को तीनों को मेंशन कर देना, अब आपको प्रूफ करना है कि जो आप काम कर रहे हैं। ओके चलिए तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा एफ ए, हम बात कर रहे हैं ए सी डी एंड एफ जी एच एंड ट्राइंगल एफ जी एच, इन दोनों ट्राइंगल्स में बात कर रहे हैं। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल्स में आप देख रहे हैं कि एंगल क्या, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी
इज इक्वल टू एंगल किसके किसके पर जी एफ एच के, मतलब ये एंगल इक्वल टू इस एंगल के, एंगल जी एफ एच इसके, ठीक है। क्यों इक्वल है स्टूडेंट्स, सिंस इस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि सिंस ट्रायंगल आपका कौन सा ए बी सी, ट्रायंगल आपका क्या ए बी सी, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल किसके एफ ई जी के, ट्रायंगल एफ ई जी के ये क्या है सिमिलर है, इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल जब क्या है स्टूडेंट सिमिलर है, इस वजह से आपका ये हो पाएगा। तो आप कहेंगे सिमिलर की वजह से ये क्यों हो पाएगा, सिमिलर क्या है ये पूरा एंगल इस पूरे के, तो आप लिख सकते हैं जब ये सिमिलर है, जब आप लिख दें सिंस, आप ब्रैकेट में ना लिखे, आप लिखे ऐसे सिंस एबीसी सिमिलर टू एफ ई सी के, तो क्या हो जाएगा एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल किससे हो जाएगा जी एफ ई के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एंगल जी एफ ई के, ओके। तो सी ए बी, सी ए बी को आप क्या लिख सकते हो, सी ए बी को ही तो सी ए बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, सी ए बी को आप एंगल सी ए डी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इक्वल टू इसी तरह से स्टूडेंट्स जो जी एफ ई है इसको हम जी एफ एच लिख सकते हैं, एंगल जी एफ एच ये लिख सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका एक इक्वेशन ये मतलब आपको मिल गया, एक मिल गया एंगल, ठीक है, ये एंगल जो है इस वाले ट्राइंगल का, ये एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर है, आपने कर दिया। अब क्या करेंगे एंड, एंड क्या स्टूडेंट्स आपका एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल किसके ए सी डी इक्वल टू किसके एफ जी एच, एफ जी एच, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, इसको इक्वेशन नंबर टू मानेंगे, इसको भी बताते हैं कैसे। तो सिंस स्टूडेंट्स क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर किसके एफ ई जी के, ये जब सिमिलर है तो जब सिमिलर है स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा एंगल आपके एफ जी ई के हो जाएगा कि नहीं, एंगल एफ जी ई के हो जाएगा कि नहीं, मतलब जब ये पूरा ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के सिमिलर, देन ये एंगल जो है इस एंगल के आपका इक्वल हो जाएगा, ओके। और जब ये इक्वल हो गया, ठीक है, ए सी बी इक्वल टू एफ सी के, देन इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई के। आप कहेंगे सर हाफ ले लिया आपने, तो यस आप क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड्स का इक्वल अगर हाफ लेते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, यानी जब यानी फुल फुल यानी पूरा पूरा दोनों बराबर होता है तो हाफ हाफ भी क्या होगा हाफ, क्योंकि टेकिंग हाफ ऑफ इक्वल देन इक्वेशंस बिकम्स इक्वल, तो ये क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इस वजह से हो गया। अब हाफ ऑफ ए सी बी को हम क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी बी को हम क्या कह सकते हैं ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू इसी तरह से स्टूडेंट्स हाफ ऑफ एफ ई जी को हम एफ जी एच कह सकते हैं, एंगल एफ जी एच जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस इक्वेशन से एंड इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड से आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल, ट्राइंगल आपका कौन सा, हाँ सी ए डी, ट्राइंगल आपका ए सी डी, सॉरी ट्राइंगल आपका ए सी डी, हमने क्या लिया था ए सी डी लिया था, ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच, विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल किसके एफ जी एच, क्यों, क्योंकि दो इक्वेशन आपको क्या मिल गए, दोनों ट्राइंगल के इस वाले ट्राइंगल के इस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल मिल गए, ये इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग के और ये इसके करस्पॉन्डिंग के इसके इक्वल हो गया। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा, कैसे हो गया बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, किससे हो गया स्टूडेंट्स एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, ये एक दूसरे के सिमिलर हो गया, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एंगल एंगल से सिमिलरिटी होता है, तो इस वजह से हो गया आपको ये करूं। और जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया स्टूडेंट्स तो आप लिख सकते हैं देन क्या सी डी अपॉन जी एच, मतलब इस वाले ट्राइंगल का जो सी डी होगा, सी डी अपॉन इस वाले ट्राइंगल का जी एच
CD अपॉन GH क्या होगा आपके इस ट्राइंगल के AC के, AC अपॉन किसके, इस वाले ट्राइंगल के GF के, इस वाले ट्राइंगल के आपके GF के बराबर हो जाएगा। ये कैसे होगा, क्योंकि क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो साइड्स होते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल के, वो आपस में प्रपोर्शन में होते हैं। क्यों, क्योंकि आपने प्रूव कर लिया कि ये ट्राइंगल सिमिलर टू इस ट्राइंगल के, देन वी कैन से दैट ACD अपॉन GH एंड AC अपॉन FG इक्वल्स टू एंड AD अपॉन FH, ये सभी तीनों यानी क्या होंगे, साइड्स आपस में प्रपोर्शन में होंगे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट इस तरह से हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, जो कि बोर्ड आपका छोटा है इस वजह से हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है ये आपका ACD, ये आपका ACD DCA एंड FGF, ये थर्ड वाला पार्ट भी आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, ये थर्ड वाला पार्ट भी आपका यहीं पर प्रूफ हो जाता है, क्योंकि थर्ड वाले पार्ट में भी आपका यही कहा गया है, तो थर्ड वाले पार्ट में भी आपको सेम यही प्रोसेस करना है, थर्ड पार्ट आप ऐसे कर लीजिएगा। अब बचा केवल सेकेंड पार्ट, हम यहाँ पे अब सेकेंड पार्ट करेंगे। ओके, थर्ड वाले पार्ट को सेम आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है इसका, ऐसे ही जिस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट लगाया है थर्ड पार्ट, इसी तरह से आपका सेकंड वाला पार्ट भी स्टूडेंट्स हो जाए। बात करेंगे इन ट्राइंगल DCB, इन ट्राइंगल DCB, इन ट्राइंगल DCB एंड इसमें ट्राइंगल HGE में, किसमें HGE में, इन दोनों ट्राइंगल में। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आप क्या देख रहे हैं, इसमें DCB एंड आपका किसमें HGE में। ओके, तो इन दोनों में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एंगल DBC, एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल इसके HEG के, एंगल HEG के। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए इसको बताते हैं कैसे हुआ। सिंस हम जानते हैं ट्राइंगल ABC is similar to triangle किसके FEG के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल बड़े वाले आपस में क्या है, ये एक दूसरे के सिमिलर है, ये पूरा इसके सिमिलर है, इस वजह से इसका ये साइड इसके इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये साइड इसका इस साइड के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल्स और ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी दो सिमिलर ट्राइंगल के जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते ही हम जानते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे ये कह पा रहे हैं कि जो DBC है या HEG के बराबर, मतलब ये एंगल क्या है इसके बराबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जब ABC सिमिलर हो गया आपका किसके FEG के, तो आप कह सकते हैं इसलिए एंगल CBA इक्वल्स टू एंगल किसके GEF के, GEF के, यानी कि क्या है, जब सिमिलर है तो आप ये एंगल हो जाता है, क्यों, क्योंकि आप रेजा लिख दीजिएगा करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आप लिख दीजिएगा करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो ये आपका इस तरह से हो पाएगा स्टूडेंट्स। तो जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो CBA को आप क्या कहते हो, CBA क्या है आपका, ये जो CBA है, CBA ये एंगल क्या है, इसी को तो आप कहते हो DBC, इसी को तो कह रहे हैं एंगल DBC, वही एंगल तो है। इसी तरह से HEG जो है वही एंगल तो है, एंगल HEG वही एंगल तो है ना, इस तरह से आप इसको लिख पाओगे, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है, क्योंकि ये रीजन है इसलिए इसको लिखा है। तो ये आप अपने रीजन को समझ लीजिएगा या लिख लीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स जो सेकंड वाला है क्या हो जाएगा, एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल किसके आपका EGH के, किसके एंगल EGH। इस पे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह देंगे, ये कैसे, सेम कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG के, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, FEG एक दूसरे के सिमिलर है, और जब सिमिलर है स्टूडेंट्स तो क्या हो जाता है, इसलिए जो एंगल BCA है, एंगल BCA इक्वल टू एंगल EGF इक्वल टू एंगल ई
जी एफ, ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आप लिख दीजिएगा। तो जब ये हो गया तो इसको आप कह सकते हो कि इसी एंगल को कह सकते हो, क्योंकि आप क्या करते हो हाफ ले लेते हो, क्या है टेकिंग हाफ, तो यहाँ पे क्या ले लोगे हाफ ऑफ बी सी ए, इसलिए आप इसको लिख देते हो, इसलिए हाफ ऑफ एंगल बी सी ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल इसके ई जी एफ के, ई जी एफ के, तो ये क्या हो जाता है हाफ ऑफ, और ये किसके बराबर हो जाता है स्टूडेंट्स आपके एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के इक्वल टू एंगल किसके हो जाता है ई जी एफ, ई जी एच के, ई जी एच मतलब बी सी डी ई जी एच के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये पूरा पूरा बराबर, तो हाफ हाफ बराबर, और इस हाफ को हम ये लिख सकते हैं, इस हाफ को ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया। इस तरह से आपने देखा कि इस रीजन के कारण आपका इक्वेशन सेकंड मिल पाता है। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, या इसको थर्ड एंड फोर्थ कह दो, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड वहां पे कह चुके थे, तो इसको थर्ड एंड फोर्थ कह दो, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया कि जब दो एंगल आएंगे यानी कि मिल गए, इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल इसके बराबर और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल जो है इस वाले ट्राइंगल के इसके बराबर आ गया, देन दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल कौन सा, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल आपने नाम लिया है, ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल आपका किसके एच जी, एच जी इसके ई के, एच जी ई के, एच जी ई के, हाँ यहाँ पे क्या है आपका एच जी ई के, हाँ यहाँ पे ई है, तो एच जी ई आप लिखोगे, ओके। तो इस तरह से आप इसको लिख पाओगे स्टूडेंट्स, ओके, आपका बी सी डी, ओके बी सी डी इक्वल टू ई ई जी एच, ओके। तो इस तरह से दोनों एंगल आपके क्या हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका प्रूफ हो गया कि ये इसके एक सिमिलर है, तो इसलिए लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो आप ऐसे इसको प्रूफ कर पाएंगे, बहुत इजी है, सिस्टमेटिक आप करेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसी में आप फंस जाते हैं, कहते हैं सर हो नहीं पा रहा है, बड़ा बोरिंग हो रहा है, तो बोरिंग नहीं, बहुत ही इंजॉयबल है, बट आप इसको इंजॉय करेंगे तभी ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको भी लगाते हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है कि इन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, यानी फिगर जो दिया गया है इसमें क्या है कि अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, सी बी पे एक पॉइंट ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है जिसमें सी बी जो साइड है इसको प्रोड्यूस किया गया कहां तक, ई पॉइंट तक। इस तरह से बताया गया कि इसमें जब आइसोसेलेस यानी कि AB इक्वल टू आपका AC के बराबर है, जो AB है पूरा वो AC के इक्वल ही दिया गया है, और बताया गया इफ AB परपेंडिकुलर टू BC, नहीं जो AB है ये क्या है BC पे परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, एंड EF परपेंडिकुलर टू AC, और जो EF है वो क्या है AC पे परपेंडिकुलर ही, ये बताया गया। तो प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीडी इज ट्राइंगल ईसीएफ, मतलब जो एबीडी है मतलब ये वाला ट्राइंगल इतना ये वाला एबीडी, ये क्या है ईसीएफ, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला इस ट्राइंगल के क्या है स्टूडेंट्स यानी सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से बहुत ही ईजी है, इसको भी आप इजिली कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। जो सिस्टमेटिक लिखने का तरीका आपका, इस वाले पार्ट को गिवन में डाल दीजिएगा, टू प्रूफ में आपको क्या करना ये लिख दीजिएगा, अब प्रूफ वाले पार्ट में काम करो, ओके। हम बात करेंगे ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में स्टूडेंट्स क्या है एबी इक्वल टू एसी, ये क्या है गिवन है, ये क्या है स्टूडेंट्स गिवन है। तो जब एबी इक्वल टू एसी हो गया तो एबी के अपोजिट एंगल क्या हो गया ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू, अब ए सी जो साइड है उसके अपोजिट एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी के, क्यों लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपस में इक्वल होते हैं, इस वजह से ये हो गया, ओके। तो जब आपका ACB इक्वल टू क्या हो गया एंगल ABC के हो गया, अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल
ए बी डी एंड आपका ट्राइंगल ए बी डी एंड ई सी एफ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ओके इस ट्राइंगल में हम बात करेंगे। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल्स में आप देख रहे हैं क्या है, एंगल ए डी बी जो है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी बी इज इक्वल टू ई एफ सी, एंगल ई एफ सी के, क्यों ईच 90 डिग्री, क्योंकि क्या है ये प्रत्येक 90 डिग्री है, इस वजह से ऐसा हो जाएगा। कैसे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ई एफ भी परपेंडिकुलर एसी पे है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, इस वजह से दोनों को हमने यहाँ पे इस तरह मेंशन कर दिया। ओके कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपका एबीडी ट्राइंगल का, एबीडी ट्राइंगल के एंगल एबीडी का, एंगल एबीडी का। सबसे पहले हम यहां पे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, वहां पे आप समझ लीजिए ठीक। सिंस एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एबीसी इक्वल टू किसके, एसीबी इक्वल टू एंगल एसीबी के, इसको यहां पे फर्स्ट लिख दो, फिर लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, ये यहां पे ऐसा है, इस वजह से ऐसा है। तो इस एबीसी को स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हो, इस एबीसी को आप क्या लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, एबीसी को आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देना, इस एबीसी को आप लिख सकते हो एबीडी, एंगल एबीडी इक्वल्स टू एंगल एसीबी को, एसीबी को जो एसीबी है इस वाले एंगल को आप ईसीएफ लिख सकते हो, एंगल ईसीएफ लिख सकते हो। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एसीबी मतलब ये एंगल कौन एंगल, ये एंगल F, C, E, या E, C, F, वही सेम एंगल तो है ना, तो सेम एंगल की बात हो गई, तो ये आपका हो गया इस तरह से, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कह दो। तो दो एंगल आपको क्या मिल गए, इस वाले ट्रायंगल के दो एंगल मिल गए, एक तो ये एंगल और ये एक एंगल, इसी तरह से इस पूरे वाले ट्रायंगल के भी दो एंगल मिल गए, एक ये एंगल और ये एंगल आपका ठीक। तो कहेंगे डन या सो शो, क्या ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल आपके, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, ट्राइंगल किसके ई सी एफ के, कैसे बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। समझ में आ रही बात, क्योंकि अब क्या है हमें यही करना था, हमें सिमिलर प्रूफ करना था, क्योंकि जब दो एंगल इक्वल मिल गए किसी दो ट्राइंगल के, करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल आपस में एंगल एंगल से सिमिलर हो गए। इस तरह से आप भी कर पाएंगे, बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, मैथमेटिक्स से जितने ही लगाएंगे उतने ही अच्छे से आएगा। मैं भी बहुत लगाता हूँ, आप लोगों से भी मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स ज्यादा से ज्यादा लगाएं, इंजॉय करें मैथमेटिक्स को, कभी बोरिंग मत फील करें, आपके लिए भी अच्छा हो पाएगा, आप भी इसमें कर पाएंगे। और मैथमेटिक्स अच्छा हो गया तो कोई भी सब्जेक्ट आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऐसा पार्ट होता है इससे आपका माइंड बहुत ही शार्प हो जाता है। तो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आज मुझे दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक जो भी है उसके साथ, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स, जय हिंद।